सर चंगेज फिल्म जो है वो उम्मीद से ज्यादा कमाई कर रही है। देखिए फर्स्ट डे इसका जो कलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा डाउन था, क्योंकि देखिए उस दिन आई थी चंगी, मतलब वो सलमान की किसी के भाई किसी की जान जी जी। और उसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सलमान के सामने जो चंगेज है जीत की वो डाउन हो जाएगी, मतलब घुटने टेक देगी, ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि सलमान भाई का ऐसा स्टार्टअप है। लेकिन चंगेज फिल्म ने मतलब पहले दिन भले ही कम कमाई की थी, लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे जिस हिसाब से कमाई कर रही है उससे पता चल रहा है कि भाई यार कंटेंट में कम होना चाहिए। ये कौन सी बचा कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है ये मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है कि आपको कंटेंट कैसा है। और जो बेंगोली इंडस्ट्री के जो फैन इंडिया चंगेज सुनवाई है तो उसने बता दिया भाई कि मतलब कंटेंट के बेस पे कोई भी हीरो किसी भी चीज़ पे मतलब फैन बेस पे अपना कमाई छप्पड़ भर कमाई कर सकता है। और ये जो क्या कहते हैं चंगेज की जो कमाई है, तो देखिए चंगेज की जितनी मैंने प्रेडिक्शंस लगाई थी तो उस बेस पे चंगेज ने अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर लिया, ठीक है। और इसका बजट है टोटल 6 करोड़। और आप समझ सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 6 करोड़ की बजट वाली मूवी 4 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर ये हिट का टैग पा जाएगी। और 2 हफ्ते तक अगर कंटिन्यू मूवी चली तो सुपर हिट का टैग भी पा जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का भाई किसी की जान की वजह से इस फिल्म को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान के लिए सलमान को काफी ज्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है और कहा जा रहा है कि किसी का भाई किसी की जान कुछ ज्यादा खास नहीं है, जबकि चंगेज की मतलब भर भर की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 4 करोड़ तो अभी मतलब वो 4 दिन के अंदर ये 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 20 करोड़ की कमाई कर लेगी और हिट का सुपर हिट का टाइप तो पाएगी। और मेरे को अपनी प्रेडिक्शन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्व है कि मैंने जो उम्मीद जो भी प्रेडिक्शन लगाई थी और जो मैंने अपने फैंस के बीच शेयर की थी तो कहीं ना कहीं वो खरी उतरी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैं यही कहना चाहूँगा चंगेज के मेकर्स को कि ऐसी ही फिल्में और लाते रहिए, मतलब बंगाली इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी फिल्में और आती रहनी चाहिए ताकि लोगों को मतलब आपकी इंडस्ट्री के बारे में पता चले। जैसा अभी साउथ का डंका बज रहा है पूरे इंडिया में, वैसे बंगाली इंडस्ट्री के कंटेंट मतलब फिल्म का डंका भी पूरे देश पे बजना चाहिए, मेरा ऐसा कहना। जी सर, ओके सर, थैंक यू।